एंड इस्मा, आज हम बात करेंगे पीएसएल पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारे साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत फरी बहुत टैलेंटेड हैं अहमर नजीब सती, थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच, थैंक यू अहमद, और अली तो है ही हमारे साथ. शुरू करते हैं हम क्वेटा ग्लैडिएटर से, डिफेंडिंग चैंपियन हैं वो लोग, और उनके स्क्वाड पे नजर डालेंगे कौन से प्लेयर्स हैं इस दफा उनके साथ और कौन से उन्होंने रिटेन किए थे. तो देख लेते हैं हम स्क्वाड, सरफराज अहमद एज अ कैप्टन उनको, उनके साथ होंगे मोहम्मद नवाज हैं, शेन वाटसन हैं, अहमद शहजाद, उमर अकमल, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, एहसन अली, जेसन रॉय, बेन कटिंग, फवाद अहमद, सुहेल खान, तमिल मिल्स, अब्दुल नासिर, आरिश खान, आजम खान, और उनके सप्लीमेंट्री प्लेयर जो हैं वो एक कीमू पॉल और खुरम मंजूर. अहमद क्या लग रहा है आपकी? ऑन पेपर कौन सी टीम सबसे तगड़ी लग रही है? तो मुझे ऑन पेपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत तगड़ी लग रही है. मुझे उनके ऑल साइड्स कवर लग रही हैं, फास्ट बॉलिंग पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है. एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा कम लगता है, नसीम शाह है, हसनैन है. देखिए आप एक तरफ नसीम शाह है, हसनैन है, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो टिमाल मिल्स है, बहुत एक्सपीरियंस टी ट्वेंटी कंपेनर है, फिर बैन कटिंग है, बहुत एक्सपीरियंस टी ट्वेंटी कंपेनर है, फिर सुहेल खान है, मतलब इज नॉट बैड, मतलब उनके डेथ ओवर भी बॉलिंग कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा हेल्प मिल रही हो तो नए बॉल से मूवमेंट भी अच्छी है, स्पिनर उनके पास वही फॉर्मूला है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा है, मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा है. तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक ओवरऑल क्वेटा मुझे एक प्रॉपर एक सारी साइड्स मुझे उनकी कवर नजर आ रही है. अली आपको क्या लगता है क्वेटा के बारे में? यार मैं एग्री करूंगा अहमद से कि ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बॉलिंग में थोड़ी थोड़ी कमजोरी नजर आती है मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात करें. फाइन दे हैव पेस, दे हैव द वन ऑफ बोथ ऑफ द इमर्जिंग फास्ट बॉलर नसीम शाह उनके पास है, हसनैन उनके पास है, टायर मिल्स उनके पास है, लेकिन देन अगेन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग में नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कहीं वो स्ट्रगल करेंगे पाकिस्तानी विकेट्स पे. अगर आप देखें तो स्पिनर्स भी नवाज है, उन्होंने फवाद है, बट स्टिल पाकिस्तानी विकेट्स पे मैचेस होंगे, ये इनको याद रखना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चुक होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस उनको जरूर डालना चाहिए था अपनी फास्ट बॉलिंग के अंदर. अच्छा अहमर, जैसा कि इस दफा पीएसएल सारी पाकिस्तान में हो रही है तो पिचेस हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा, इस दफा लो स्कोरिंग गेम होती थी दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, तो आपको लगता है इस दफा कुछ हमें जो छक्के चौके देखने को मिलेंगे पिचेस ऐसी हैं? देखिए पाकिस्तान में जब आप बात करते हैं नॉर्मली तो आपको हाई स्कोरिंग पिचेस मिलते हैं जहाँ पे बैट्समैन के पास एक अच्छा चांस होगा बड़े स्ट्रोक प्ले का, और यही उम्मीद करें 170 180 इवन 200 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो एज कम्पेयर टू यूएई फॉर श्योर के यहाँ पे बेहतर आपको रन नजर आएंगे. ठीक है, और क्वेटा हमेशा इतनी अच्छी टीम होती है, उनकी हमेशा से बहुत अनबीटेबल रहते हैं, हाँ फाइनल में कभी उनके साथ हो जाता है कोई मसला, उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते थे, लेकिन लास्ट टाइम उनके फॉरेन प्लेयर्स आए, उन्होंने अच्छा किया, जीत गए. आपको लगता है क्या एक ऐसा उनके पास क्या हथियार है कि वो हमेशा इतना अच्छा करते हैं और इस दफा उनकी टीम में ऑन पेपर तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मिल रही है? देखिए दो टीमों का मैं नाम लूंगा, एक क्वेटा ग्लैडिएटर, दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड, के इन दो टीमें अगर ऑन पेपर आपको इतनी अच्छी ना भी लगे, ये हमेशा स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग से अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, उनकी प्रॉपर आउटपुट लेते हैं और अपनी प्लानिंग से बाकी अपने से बेहतर ऑन पेपर टीमों को बीट करते हैं, तो यही मुझे इनकी की लगती है अब तक जो इतने सक्सेसफुल रहे हैं. ठीक है जी, क्वेटा के बारे में हमने बात की, अभी हम बात करेंगे अगली टीम के बारे में जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद के पास जो प्लेयर हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं, शादाब खान को उन्होंने रिटेन किया है, फहीम अशरफ को, आसिफ अली, लियो क्रॉन्की, हुसैन तलत, अमाद बट, रिजवान हुसैन, मूसा खान, जो उनके ड्राफ्टिंग में प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो हैं डेल स्टेन, कोलिन इनग्राम, कोलिन मुनरो, रुमान रईस, फिल सॉल्ट, जफर गोहर, आकिफ जावेद, अहमद सैफ अब्दुल्ला, सफी अब्दुल्ला, अहमद सफी अब्दुल्ला, और जो सप्लीमेंट्री प्लेयर हैं उनके पास वो हैं सैफ बाबर और रेसे वेंडर डूसन. तो क्या लगता है आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड इस साल? वैसे मुझे इस्लामाबाद की टीम को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी है, इनकी फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. आप देखें कि इन्होंने रिस्क बहुत लिया है, डेल स्टेन आपको पता है एक तो अपने कैरियर के बिल्कुल डाइंग मोमेंट्स पे हैं, अब वी डोंट नो इंजरी का भी इनको इशू रहता है, अब उनमें कितना दमखम है, तो इतनी बड़ी कैटेगरी में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है मेरी ओपिनियन के मुताबिक. दूसरा फास्ट बॉलिंग में बाकी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर, रोमान रईस इंजरी से वापस आ रहे हैं आप ये देखिए, तो अगेन लोअर ऑर्डर में भी कितने आउटस्टैंडिंग चॉइसेस इस पर नहीं आ, ठीक है अपनी प्लानिंग से किसी को हराएं तो हराएं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम है, लेकिन इस मरतबा कोई ऑन पेपर उन्होंने को बहुत बड़े कमाल नहीं किए, इवन ड्राफ्टिंग में भी मेरे ख्याल में से बेहतर वो पिक्स की तरफ जा सकते थे. आपको क्या लगता है अली? इस्लामाबाद यूनाइटेड यार देखो आई एग्री विद अहमद जो उसने बात की है कि एक्सपीरियंस, डेल स्टेन की डिक्लाइनिंग टाइम है उनका चल रहा है उनके करियर का, मोहम्मद शमी को उनको शायद रिलीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने साल से उनके साथ चले आ रहे थे, लास्ट टाइम उनकी कप्तानी भी उन्होंने की अचानक इस दफा, और कल मैं उनको देख रहा था हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे, तो शायद यहाँ उनको थोड़ी सी चूक हो गई. वी अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत एक पर्टिकुलर तरीका है प्लेयर्स सेलेक्ट करने का, वो स्टैट्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं राधर देन कि ग्राउंड की रियलिटीज़ क्या है.
तो आई गेस आई एग्री विद कि वो उन्होंने बैटिंग बहुत हैवी कर ली, लोग क्रॉची हो गए, बट जो मुझे सबसे अच्छी बात है कि वो रिजवान हुसैन को शायद मौका मिलेगा खेलने का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग यंग प्लेयर है रिजवान हुसैन, तो अगर उसको वो पूरी एक अपॉर्चुनिटी दे सके इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, तो शायद यही बेहतरी होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है जी, अगली जो प्लेयर है, अगली जो टीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लाहौर कलंदर्स, और इनकी डिटेंशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। फखर जमान को उन्होंने डिटेन किया, मोहम्मद हफीज, डेविड वीजे, शाहीन शाफरीदी, उस्मान शिनवारी, सुहेल अख्तर, हारिस रऊफ, सलमान बट, और जो ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स इनके पास आए हैं वो हैं क्रिस लेन, समित पटेल, प्रसन्ना, बेंडंक, फरजान राजा, जाहिद अली, मोहम्मद फैजान, और सप्लीमेंट्री प्लेयर इनके पास जो हैं वो हैं लेंडल सिमन और दिलबर हुसैन। सबसे पहले तो ये सुहेल अख्तर को कैप्टन बनाने का क्या चक्कर है? देखिए देखिए, लाहौर कलंदर बीइंग लाहौर कलंदर, तो उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ओवरऑल मुझे लाहौर की टीम इस पहले ये होता था कि ऑन पेपर आपको शायद बैटिंग हैवी या आपको बेहतर लगती थी, लेकिन ऑन डे अच्छा नहीं खेलते थे। ये पहली पीएसएल है शायद ऐसी कि मुझे लाहौर कलंदर की ऑन पेपर भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखिए कि फास्ट बॉलिंग में उस्मान शिनवारी और शाहीन अफरीदी को लेकर आए, अगेन दोनों जो है वो नए बॉल के साथ शायद आउट तो करें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं दोनों, यानी कि रन अगर इनकी इकोनॉमी रेट दोनों के उठाएं T20 बहुत हाई है। एक ऐसा बॉलर आपको मिडिल में चाहिए होता है जो एक्सपीरियंस के साथ जरा गेम को विंग एंड बॉलर कंट्रोल कर सके। फिर अगर इनके अगर आप स्पिन अटैक पे जाएं तो वो स्पिन अटैक भी इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है स्पिन अटैक, इन्होंने नए लड़कों में बहुत ज्यादा रिस्क लिया जो कि इस लेवल पे साथ आज तक एक्सपोज नहीं हुए, अपने पीडीबी से भी लेकर आए हैं, फिर फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने पीडीबी के लड़के रखे हैं। तो अगेन मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की जो प्लानिंग का तो हमेशा इशू रहता ही था, लेकिन इस वक्त कोई टीम चॉइसेस में भी, और फिर डेविड वीसा को रिटेन किया, अगर आप पूरी दुनिया की लीग देखते हैं डेविड वीसा एक साथ मैच जीता है, ओवरऑल वो इतना वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नहीं है, वो यूं करके एक्सपोज होगा और फिर ना तो वो पूरा बैट्समैन है ना वो पूरा बॉलर है। बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर कलंदर, लेकिन लग ही रहा है कि इस ड्राफ्टिंग से कुछ खास कर नहीं पाए हैं पहले मरहले में। फैंस भी यही बात कर रहे हैं कि ड्राफ्टिंग में कोई उम्मीद नहीं है, पहले होता था कि चलो अच्छा बड़ा प्लेयर आ रहा है कोई, इस दफा तो पूरा उन्होंने डिपेंड कर दिया अपने लोकल प्लेयर्स पे और मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। जितना मर्जी तुम लोग बात कर लो, लेकिन आई लव लाहौर कलंदर्स। क्यों? जितना काम लाहौर कलंदर्स क्रिकेट के लिए कर रहा है शायद पीसीबी भी इतना काम नहीं करता। फैंस के लिए भी कुछ करें ना, फैंस को जीत देखनी है, मतलब क्या वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगर उसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखो तो जितना काम वो लोग करते हैं, जितना एक्सपोजर वो यंग लड़कों को देते हैं क्रिकेट के अंदर, हम पिछले पहला साल नहीं कि उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, पिछले 3-4 साल से लड़के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हमने देखा इंग्लैंड भी लड़का उनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए क्रिकेट खेली उसने, तो आई विल गिव द क्रेडिट। ठीक है वो इतना ट्रॉफी जीतने की तरफ नहीं जाते, मुझे ये नहीं समझ आती क्यों नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, और थोड़ा सा काम अगर वो पीएसएल की तरफ भी कर दें, फैन बेस इतनी ज्यादा है लाहौर के अंदर, सीरियसली ले लें तो थोड़ा डिसअपॉइंट कम होंगे क्रिकेट। प्लीज थोड़ा सीरियसली ले लें। अगली टीम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मुल्तान सुल्तान। सबसे पहले इनकी रिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर ड्राफ्टिंग में जो प्लेयर्स इनके पास आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनकी पास जो रिटेंशन थी वो थी मोहम्मद इरफान, शाहिद आफरीदी, जेम्स विंस, जुनेद खान, शान मसूद, अली शफीक, मोहम्मद इलियास, और ड्राफ्टिंग के बाद जो इनका स्क्वाड पूरा किया है वो प्लेयर्स हैं मोइन अली, रेले रोसो, दिशान अशरफ, रवि गुपारा, सुहेल तनवीर, खुशदिल शाह, उस्मान कादर, फैबिन एलन और रोहेल नजीर, सप्लीमेंट्री प्लेयर इनके हैं इमरान ताहिर और बिलावल भट्टी। क्या लगता है अमर आपको? मुल्तान सुल्तान ने कुछ पिक्स बहुत अच्छी और कुछ पिक जो है वो अपने लिए थोड़ी सी लाइबिलिटी बनाई है, जैसे लगता है कि शायद अपनी फील ये होता है कि शायद अपने कप्तान बनाए, लेकिन अगेन वो एक आइकन प्लेयर तो है लेकिन शायद अपनी गेम की उस पीक पे नहीं है। दूसरा इनका जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा, जेम्स विंस तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनके अलावा जो प्लेयर हैं वो शाह मसूद वो टिपिकली कोई T20 के प्लेयर नहीं है, फिर अभी जिशान अशरफ इज अ गुड प्लेयर लेकिन अगेन क्या इस लेवल पे आपकी कामयाब हो सके एक अनसर्टेनिटी मुझे लगती है। मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, मोइन अली, राइलर ओसो, रवि बोपारा, खुशदिल शाह वेरी गुड, स्पिनर अच्छे हैं उस्मान कादिर, इमरान ताहिर, मोइन अली, फैबियन एलन। फास्ट बॉलिंग में सिर्फ सुहेल तनवीर के कांधों पे ज्यादा बोझ होगा, इलियास भी आपको पता है यंग है इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इरफान फिर इसके मोहम्मद इरफान एक हो सकते हैं, तो ये दो बॉलर से ज्यादा होगा। ओवरऑल गुड टीम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है, लेकिन अगेन जो इनको प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशंस में अगर इनके कुछ जो टॉप के प्लेयर हैं अगर वो ना चल पाए तो बैकअप इनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, तो प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान को भी कुछ डिपार्टमेंट्स में, खासतौर पर
मैं समझता हूँ उनको फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरऑल डिसेंट टीम नजर आ रही है. ठीक है, और लाला को अहमर ने कहा है कि कुछ थोड़ी लाइबिलिटी आई कैन प्ले, लेकिन जाहिर है वो मैच पुलर हैं, वो ऑडियंस पुलर हैं, वो होते हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए. देखो शायद अफरीदी ऐसे प्लेयर हैं कि जिसको कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है, वो इतनी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो अगर बॉलिंग बैटिंग में नहीं करेंगे तो बॉलिंग में कर लेंगे, बॉलिंग में नहीं करेंगे तो फील्डिंग में कर लेंगे, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फील्डिंग में नहीं करेंगे तो लोग आएंगे. हाँ, लोग तो आएंगे, इसलिए उनको कभी भी आप राइट ऑफ लाला को नहीं कर सकते आप. इसलिए मैं एग्री नहीं करता हूँ कि लाला को आप लाइबिलिटी कहें. मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी कॉम्पैक्ट साइड जिसे आप कहेंगे. बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है पाकिस्तानी विकेट के अकॉर्डिंगली. इरफान का बहुत बड़ा एज है उनको, ही विल बी द एक्स फैक्टर आई बिलीव. तीन लेग स्पिनर्स उन्होंने पिक किए बहुत सरप्राइजिंगली, क्योंकि शायद उनकी वर्किंग अच्छी है. एंड एंडी फ्लावर मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा एंडी फ्लावर का, जो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी कि जैसे वो आके टीम को संभालेंगे. एंड प्लस अली तरीन इज देयर, इज डूइंग सो मच फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. दिशान हर जगह नजर आते हैं वो. एग्जैक्टली, हैट्स ऑफ टू हिम. आई थिंक वो इज वन, जैसे लाहौर कलंदर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही अली तरीन है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. दिशान अशरफ को पिक करना आसान नहीं था, डायमंड कैटेगरी में एक अननोन प्लेयर को करना, तो उन्होंने ट्रस्ट शो किया दिशान अशरफ के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा साइन है कि एटलीस्ट होप होगी सदर्न पंजाब के लड़कों को कि अगर हमें बड़ी क्रिकेट नहीं मिल रही तो अली तरीन है जो हमें कहीं ना कहीं पीएसएल में एडजस्ट जरूर करेंगे. सो वेरी गुड साइड, आई थिंक बैलेंस साइड है, हर चीज़ पूरी है उनके पास. वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स फॉर दिस पीएसएल. ठीक है जी, अगली टीम जो हमारी है वो है पेशावर जलमी. उनकी रिटेंशन पे बात करते हैं और फिर जो ड्राफ्टिंग के बाद प्लेयर्स उनके पास आए हैं उनके बारे में बात करेंगे. रिटेंशन थी इनकी वहाब रियाज, हसन अली, किरण पुलार्ड, कामरान अकमल, डेरन सामी, इमामुल हक और उमर अमीन. जो इनके पास ड्राफ्टिंग के बाद प्लेयर आए हैं वो हैं टॉम बेंटन, शुएब मलिक, लियम डॉसन, मोहम्मद मोहसिन, राहत अली, ड्वेन, आदिल अमीन, आमिर खान, आमिर अली. और सप्लीमेंट्री प्लेयर्स जो इनके पास हैं वो हैं लियम लिविंगस्टोन और हैदर अली खान. अहमद, पेशावर की टीम कैसी लग रही है आपको? मुझे तो इस वक्त जो मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक पेशावर और कोयटा मुझे बहुत टफ टीम्स लग रही हैं. अब देखिए पेशावर की फास्ट बॉलिंग, वहाँ हसन अली इनके पास मौजूद हैं, और कौन सा मतलब कंप्लीट एक पैकेज आपको नजर आता है पेशावर जलमी. फिर पावर हिटर्स किरण पोलार्ड इनके पास हैं, फिर इनके पास आप देखिए डैरन सैमी इनके पास मौजूद है, फिर इनके पास जो लोअर ऑर्डर में आप देखिए वो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हसन अली हो गए, वहाब रियाज हो गए, तो ये सारे इनके पास स्पिनर इनके पास आउटस्टैंडिंग है. अगर आप देखिए मिडिल ऑर्डर इनके पास बहुत अच्छा है, टॉम बेंटन की इंक्लूजन से मजीद स्ट्रेंथन हो गई है, तो ऑन पेपर पेशावर जलमी जो है वो बड़ी कंप्लीट साइड नजर आ रही है. ओवरऑल मुझे इनकी कोई ऑन पेपर एज सच वीकनेस नजर नहीं आ रही है. अगर हम उस पर बात करें पेशावर जलमी के ऊपर तो वन ऑफ माय फेवरेट टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड. अच्छा सर, जो मुझे जो वीकनेस थोड़ा सा फील होता है पेशावर, ऑल्दो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, स्पिनर में कहीं चूक गए वो कि स्पिनर एक लियम डॉसन पे शायद वो बहुत ज्यादा रिलाय करेंगे. ठीक है, उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक है, बट देन अगेन देखो पाकिस्तानी विकेट के ऊपर आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए होंगे, जो पाकिस्तानी विकेट आसान नहीं होती है, तो आपको एक प्रॉपर स्पिनर जरूर पिक करना चाहिए. मोहम्मद मोहसिन को पिक किया है, हां यंग है ना लेग स्पिनर, आप ये सही कह रहे हैं कि माइट बी इतने बड़े टूर्नामेंट में पहली बार आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक वो फैक्टर होता है कि यार कहीं आप एक्सपोज ना हो जाए या कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ना आ जाए. राइट, तो बस मुझे जिससे जो खामी लगती है वो आई थिंक यही लगती है, बाकी जो आपने कहा कि कंप्लीट साइड सिर्फ स्पिनर्स में चूक चुके हैं. ठीक है जी, अगली हमारी टीम है कराची किंग्स. उनकी रिटेंशन में बात करेंगे, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, आमिर यामीन, उसामा मीर, उमर खान. और ड्राफ्टिंग में जो प्लेयर उनके पास आए वो थे एलेक्स हेल, क्रिस जॉर्डन, शर्जील खान, कैमरन डेलपोर्ट, मोहम्मद रिजवान, उमैद आसिफ, डैन लॉरेंस, अली खान, अरशद इकबाल. और सप्लीमेंट्री में उनके पास हैं लियम प्लंकेट और अवैस जिया. कराची किंग्स ओवरऑल काफी अच्छी साइड है, लेकिन मुझे इनकी फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनके लैक ऑफ ऑप्शंस मुझे नजर आते हैं. मोहम्मद आमिर पे बहुत ज्यादा रिलाय करेंगे. अब ये देखिए कुछ पिक्स इनकी काफी इंटरेस्टिंग हैं और डिफरेंट हैं, जैसे अली खान यूएसए से उन्होंने पिक किए हैं, दुनिया ने बहुत ज्यादा नहीं देखा हुआ, लेकिन क्या वो वाकई इतने अच्छे प्लेयर है कि आपने इतने प्लेयर्स को स्किप करके उनको पिक किया, स्टिल देखना पड़ेगा. उमैद आसिफ गुड बॉलर, बट अगर उनको आप एक बार पिक करने की इतनी कोई वैरायटी नहीं है कि वो शॉर्ट लेंथ लेंथ बॉल करते रहते हैं, अगर आप पिक हुए वो दो थोड़ा सा टीमों ने वर्कआउट भी कर लिया हुआ है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है. तो मेरे ख्याल में बैटिंग बहुत पावरफुल है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, लोअर ऑर्डर में इनके पास पिंच हिटर कम है. एक होता है कि लोअर ऑर्डर में जैसे पेशावर जलमी में आप बात की कि पोलार्ड हैं, सेमी हैं, तो एक होता है आखिरी ओवर में
छक्के पे छक्के लगाने वाले प्लेयर, वो ऑप्शन मुझे इनके पास थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं कराची के पास. हाँ, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर जबरदस्त है, बहुत कमाल का है, स्पिन अटैक में इनके पास अच्छा है, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन में और लोअर ऑर्डर में जो पावर स्ट्राइकिंग है वो थोड़े से वीक लग रहे हैं मुझे. ओवरऑल बड़ी अच्छी साइड है. देखो मेरी तो फेवरेट साइड है, मैं वही कहने वाली थी. मेरी तो फेवरेट साइड है, नो डाउट अबाउट इट. मैं इस बार कराची किंग्स को ही बात करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कॉम्पैक्ट साइड है. बाबर आजम के पास सबसे ज्यादा जो जरूरी बैट्समैन हमारे नंबर वन बैट्समैन है, शिरजील खान अपना कमबैक कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ज्यादा वो कोशिश करेंगे गेम प्रेस करने की पाकिस्तान सेलेक्टर्स को भी आवाम को भी. एक वो बहुत बड़ा एच है. देन क्रिस जॉर्डन उनके पास है जो डेथ बॉलर्स के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है डेथ बॉलिंग के. तो एंड जैसे अभी अहमर बात कर रहे थे कि जो लेट मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग है वो थोड़ा सा मुझे वीकनेस लगती है. देन अगेन वहाँ पे इमाद वसीम बट उस तरीके के छक्के तो नहीं मारते. इफ्तिखार है, इफ्तिखार को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको लंबी बारी थोड़ी शायद लेनी पड़ेगी और तो ही उनका वो जो खला है वो फिल हो सकेगा. तो आई गेस ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट टीम, इट्स माय फेवरेट टीम एंड आई एम बैकिंग कराची किंग्स. पहले से बता दिया अली ने कि अली कराची किंग को सपोर्ट करें, पूछा नहीं था मैंने अभी. तो अहमद से मैं पूछूंगी, अहमद आप क्वेटा पेशावर आपने बोला पहले. जी एक सिलेक्ट कर लें. क्वेटा ठीक है. अच्छा मैंने पता नहीं, मैं दिल से चाहती हूँ मुल्तान सुल्तान जीते, दिमाग से चाहती हूँ पेशावर जलमी जीते, तो ऐसा कुछ मिक्स है क्योंकि मैं हमेशा से पेशावर जलमी को सपोर्ट करती रही हूँ. सो पेशावर जलमी. अच्छा जी, प्लेयर्स हमने टीम्स की बात की, अब बात करेंगे कि जो प्लेयर्स हमारे पिक नहीं हुए हैं. जिशान मलिक, हर सुहेल, उमर सिद्दीक, मुख्तार, हमाद आजम और अली इमरान. अहमर ये प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं लेकिन इनको किसी ने पिक नहीं किया. देखिए मैं इसी नामों में कुछ नाम ऐड कर देता हूँ. जिशान मलिक हैं, ठीक है, और सऊद शकील पिक नहीं हुए हैं. जो आपका और बहुत सारे ऐसे नाम अगर हम खंगालने जाएंगे तो बहुत सारे नाम हैं जो पिक नहीं हुए हैं. स्पेशली मैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा शौक हुआ वो जिशान मलिक, अली इमरान, जाहिद महमूद, इवन एक और प्लेयर उनको लोग इतना रेट नहीं करते, गुड प्लेयर जैन अब्बास फ्रॉम मुल्तान. तो ये बहुत अच्छे और इस तरह के नाम लाल हैं जिन जो मैं देखता हूँ कि जो टीमों में बहुत से नाम पिक हो गए उनके मुकाबले में ये बहुत बेहतर नाम थे जो कि शायद पिक हो सकते थे. एक तो ये प्रॉब्लम हुई है कि पहले पिछले साल 20 पर एक नेशनल टी20 का प्लेयर इमर्जिंग से 21 हो गए थे दो साल से, तो प्लेयर तीन नीचे आए, इसका मतलब तकरीबन 18 प्लेयर जो है वो नहीं है जो होने चाहिए थे. तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है लेकिन अगेन ये प्लेयर्स पिक नहीं हुए. अगर ये होते किसी भी टीम में तो ये आपकी सिर्फ टूर्नामेंट की वैल्यू को मजीद ऐड करते. तो मुझे पर्सनली दुख हुआ है इन प्लेयर्स के ना होने का, खासतौर पर जिशान मलिक का. द वे इज प्लेइंग फॉर इन कायदेजम ट्रॉफी, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, एक जबरदस्त टैलेंट है. यही मौका होता है किस तरह के लीग्स में उनको एक्सपोजर मिले. सो आई एम फीलिंग सैड फॉर देम. अरे आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? सरप्राइज मुझे तीन प्लेयर्स का बहुत अफसोस हुआ. एक जैसे अहमर ने किया जिशान मलिक, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है मैं पिछले साल डेढ़ साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ. आई थिंक ही इज द वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर, यंग बैट्समैन द कंट्री यू हैव. तो उसका बहुत अफसोस हुआ है. देन इफ यू टॉक अबाउट हरिस सोहेल का भी कहीं ना कहीं अहमर सरप्राइज हुआ कि आपके वो टी20 का मेन प्लेयर है, वो खेलता है, आप टी20 नेशनल साइड से खेल रहे हैं और आपको किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया. एक मुझे वो भी बहुत सरप्राइजिंग थी. उमैर बिन यूसुफ एक कराची के यंगस्टर प्लेयर है, वो भी बहुत एक अच्छे एक्साइटिंग यंग बैट्समैन है. तो हमें इन यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आप अगर अपने यंगस्टर्स आप देखो IPL में क्या होता है, वो उनके यंगस्टर्स ग्रूम होते हैं, ठीक है, वो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं लेकिन उनका जो मकसद है वो यंगस्टर्स ग्रूम करना है. और अगर हम अपने यंगस्टर्स को यहाँ पे मौका ही नहीं देंगे ग्रूम होने का तो वो कब ग्रूम होंगे? अच्छा उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी तो सकती है हमारी टीम्स कम है अभी. आप कितने लड़कों को खिला सकते हैं? आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगती है अपनी टीम के लिए आप रखते हैं, यंग टैलेंट को मौका मिलता है लेकिन टीम्स कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी. बात आपकी सही है लेकिन देन अगेन जो आपके जिनको नजर आ रहा है जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको आपको अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है, आपको उनको तो पिक करना ही पड़ेगा ना. आप बेशक अगर आप सप्लीमेंट्री के अंदर ही उनको डालते हैं तो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको आपको जरूर पिक करना पड़ेगा. वो बेशक PCB हिदायत करे PSL फ्रेंड्स की ये हमारा लॉट है जो यंगस्टर्स हैं इनको जरूर आपको पिक करना है. जी हाँ बिल्कुल मैं एग्री करूंगा. अली ने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि जो टॉप के आपके परफॉर्मर होते हैं ना कम से कम 8 से 10 वो PCB को फ्रेंचाइजर्स मिलकर को अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि 8 या 10 कोई ना कोई फ्रेंचाइजर को लाजमी पिक करना है क्योंकि अगेन ये आपके आपके उस टीम को भी वैल्यू करेंगे और ये पाकिस्तानी टीम को इन फ्यूचर वैल्यू करेंगे. तो इन पे इन्वेस्ट करना और इनको इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है. अच्छा एक सवाल रह गया मेरा, शुएब मलिक को टीम रिटेन क्यों नहीं करती है, क्यों रिलीज कर दिया जाता है उनको? हर PSL में उनकी नई टीम होती है. अमूमन ये होता है कि किसी फ्रेंचाइज के साथ आपकी शायद उस तरह की आपकी बन नहीं पाती है या आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है या आप समझते हैं कि उसकी टीम कम्बिनेशन के हिसाब से आप बेस्ट फिट हैं. तो अगेन ये क्रिकेट में होता है, बाकी लीग्स में भी होता है लेकिन यह कि पाकिस्तानी पिचेस पर खासतौर पर शुएब मलिक बड़ी यूटिलिटी क्वालिटी प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है. तो और पेशावर जलमी को इस तरह के मिडल में एक तजुर्बे की बहुत जरूरत थी. तो अब जिस टीम में गए पेशावर जलमी में मेरी मुझे फील आ रही है कि वो सही टीम में है, वो सही जगह पर गए.
ठीक है जी, अब हम मैं जानना चाहूंगी कि हमारे पास जो दो बैठे हैं अहमर और अली, इनकी फेवरेट टीम कौन सी है, किसको बैक कर रहे हैं ये इस दफा PSL5 में। अहमर, आपकी फेवरेट टीम, अपने बातों में बताया पहले कि कोयटा और पेशावर को आप समझ रहे हैं कि बड़ी अच्छी टीम है। जी, इसमें ये है कि कोयटा ऑन पेपर जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, कि यानी कि जो मुझे परफॉर्मेंस बेस्ड लगती है पेपर के सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। वैसे जो मेरी सबसे ज्यादा ख्वाहिशात होती है वो अगेन मेरा सिटी इस्लामाबाद उसी के साथ होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है अली, आप कराची के हैं। यार देखो, एफिलिएशन मेरी तो लाहौर कलंदर के साथ धाड़ेगा, जैसे इस प्रकार के मैं लाहौर से हूं तो लाहौर से, लेकिन उनकी हरकत ही नहीं है जीतने वाली, तो मैं उनका सपोर्ट शायद नहीं करूंगा। बट कराची किंग्स इज माय टीम फॉर दिस पीएसएल, मुझे लगता है कि वो बहुत कंप्लीट टीम है, तो मैं उनको ही बैक करूंगा। ओके, आई एम सपोर्टिंग पेशावर जल्दी एज ऑलवेज, थोड़ा थोड़ा मुल्तान सुल्तान को भी, बट पेशावर। सो यार, दैट वाज आवर शो फॉर टुडे। आपसे फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन